Okay, so after completing the lectures for microcytic anemias, here we begin with macrocytic anemias. Macrocytic anemias, मतलब के हमारे पास बड़े बड़े cells हैं, ठीक है? The MCV is increased, mean corpuscular volume is increased. It's more than 100 femtoliter. Macrocytic anemias में हमारे पास दो most कॉमन होते हैं फॉलिएट एंड विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशियंसी, लेकिन हमने इसको सब डिवाइड किया इनटू द मेगलोब्लास्टिक अनीमिया एंड नॉन मेगलोब्लास्टिक अनीमिया. इन मेगलोब्लास्टिक अनीमिया फॉलिक और विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशियंसीज हैं, और नॉन मेगलोब्लास्टिक अनीमिया में हमारे पास अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की वजह से है. ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशियंसी को डिस्कस करेंगे. ओके, सो विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशियंसी और उसकी एनीमिया किससे डेवलप हो रही है, उससे पहले हम विटामिन बी ट्वेल्व मेटाबॉलिज्म कर लें. ओके, सो सबसे पहले ये कि विटामिन बी ट्वेल्व हम डाइट में जब लेते हैं तो वो प्रोटीन के साथ बाउंड होता है. ठीक है, जब हम इसको स्वेलो करते हैं, जब ये स्टमक में जाता है, हमारे सेलेवरी ग्लैंड से एक प्रोटीन रिलीज होता है, दैट इज़ आर बाइंडर. ठीक है, आर बाइंडर जो है वो हमारे स्टमक में बी ट्वेल्व और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स के साथ साथ आ जाता है. गैस्ट्रिक पैराइटल सेल से हमारे रिलीज होते हैं पेप्सिन. पेप्सिन जो होता है वो क्या करता है कि वो उस प्रोटीन को बी ट्वेल्व से अलग कर देता है, उसके कॉम्प्लेक्स को तोड़ता है ताकि वो बाइंड हो सके आर बाइंडर से. यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि पेप्सिन ने एक काम किया. क्या काम किया? उसने प्रोटीन से बी ट्वेल्व को अलग किया ताकि वो आर बाइंडर के साथ बाइंड हो सके. और पैराइटल सेल से हमारे निकलेगा इंट्रिंसिक फैक्टर, लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर फ़िलहाल यहाँ कोई काम नहीं करेगा. बिल्कुल आर बाइंडर की तरह जैसे उसने ऊपर कोई काम नहीं किया, नीचे आकर काम किया, ये भी नीचे जाकर ही अपना कुछ काम करेगा. ठीक है, अब बाइंड, अब कॉम्प्लेक्स किस चीज़ के बना हमारा? आर बाइंडर एंड बी ट्वेल्व. अब ये कॉम्प्लेक्स जब हमारे ड्यूडिनम तक जाएगा तो इंट्रिंसिक फैक्टर उसके आगे आगे, ठीक है, पीछे पीछे या आगे आगे, पैंक्रियास से हमारे निकलेंगे कुछ प्रोटीएजेस. अब वो प्रोटीएजेस क्या करेंगे? प्रोटीएजेस विल स्प्लिट द आर बाइंडर एंड बी ट्वेल्व कॉम्प्लेक्स ताकि वो बाइंड हो सके इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ. नाउ द थर्ड कॉम्प्लेक्स इज इंट्रिंसिक फैक्टर एंड बी ट्वेल्व कॉम्प्लेक्स, जो कि टर्मिनल ईलियम तक जाएगा और वहाँ से वो उसके एब्जॉर्ब होगा. ठीक है, इलियल सेल्स में जो एब्जॉर्प्शन होगी वो एक्चुअली इंट्रिंसिक फैक्टर्स को फैसिलिटेट करती है. ठीक है, ये सारा जो भी हो रहा है वो इंट्रिंसिक फैक्टर और बी ट्वेल्व के कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए हुआ, ताकि वो कॉम्प्लेक्स बने और इंट्रिंसिक फैक्टर से फैसिलिटेट करे फॉर द एब्जॉर्प्शन. जब वो एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, तब वो बाइंड होगा ट्रांसकोबालमिन टू के साथ, जो कि कैरियर प्रोटीन है फॉर द विटामिन बी ट्वेल्व. ठीक है, ओके. अच्छा, बी ट्वेल्व के मेटाबॉलिज्म के बाद हमें विटामिन बी ट्वेल्व की डिफिशियंसी या विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशियंट एनीमिया को, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को समझने के लिए हमें डीएनए मेटाबॉलिज्म को समझना ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास, हमें पता है डीएनए मेटाबॉलिज्म में डीएनए फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए होता है थायमीन. ठीक है, थायमीन चाहिए होता है हमें डीएनए मेटाबॉलिज्म के लिए. आरएनए में उसकी जगह यूरैसिल आ जाता है. थायमीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. अच्छा, तो क्या होता है कि ये हमारे पास, सबसे पहले अब ये जो चीज़ है ना कि विटामिन बी ट्वेल्व इज़ एब्जॉर्ब्ड. जब विटामिन बी ट्वेल्व क्या है हमारे पास? एक्चुअली कोबालमीन. ठीक है, कोबालमीन इज़ बी ट्वेल्व. अब हमारे पास जो डीएनए मेटाबॉलिज्म में सेकेंड थिंग है, दैट इज़ टेट्राहाइड्रोफोलिएट. ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलिएट इज़ सेकेंड थिंग जो हमारे डीएनए मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है अलॉन्ग विद द बी ट्वेल्व. तो टेट्राहाइड्रोफोलिएट किस तरह आता है, कैसे आता है, वो किस फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होता है, वो सब हम फोलिएट में पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पे बस इतना आप माइंड में रख लो कि हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलिएट आ गया है. ठीक है, एब्जॉर्ब हो चुका है अलॉन्ग विद द बी ट्वेल्व. अब सबसे पहले आप यहाँ देखो कि हमें अल्टीमेट हमारा जो है, दैट इज़ वी वांट दिस यूरिडीन मोनोफॉस्फेट टू बी कन्वर्टेड इनटू द डीटीएमपी. ठीक है, डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट वी वांट इट टू बी कन्वर्टेड इनटू अ डीऑक्सी
थायमिडीन मोनोफॉस्फेट विच विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रेप्लिकेटेड डीएनए, और उसके लिए जो एंजाइम है दैट इज थायमिडाइलेट सिंथेस, सारा कुछ हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है। अब क्या क्या हो रहा है देखो, हमने जो एब्जॉर्ब किया है दैट इज टेट्राहाइड्रोफॉलेट, हमने टेट्राहाइड्रोफॉलेट को किया है इन द फॉर्म ऑफ N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफॉलेट, एक मिथाइल ग्रुप उसके साथ है, ठीक है, और ये है हमारे B12। अब क्या हो रहा है, हमारे पास एक इंजाइम है दैट इज़ मेथियोनीन सिंथेस। मेथियोनीन सिंथेस क्या करता है कि वो क्या करता है कि हमारा N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफॉलिएट को कन्वर्ट कर देता है इनटू द टेट्राहाइड्रोफॉलिएट, और उस मिथाइल ग्रुप को देता है विटामिन B12 को, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए मिथाइल B12 में। जैसे ही मिथाइल B12 कन्वर्ट हो जाता है B12 में, दोबारा से वो अपना यही मिथाइल ग्रुप दे देता है होमोसिस्टीन को, ताकि वो कन्वर्ट हो सके मेथियोनीन में। बहुत गिचपिच हो गई, दोबारा से रिवाइज करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, हमने इसको एब्जॉर्ब किया और हमने इसको एब्जॉर्ब किया, क्या क्या किया, हमने इसको एब्जॉर्ब किया और इसको एब्जॉर्ब किया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया टेट्राहाइड्रोफॉलिएट में, इसके पास पहले से था एक मिथाइल ग्रुप, मिथ्योनीन सिंथेस यानी हमें मिथ्योनीन बनाना है अल्टीमेटली, ठीक है। तो B12 जब हमने इसको बना दिया N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफॉलिएट से टेट्राहाइड्रोफॉलिएट में, तो जो B12 था वो कन्वर्ट हो गया मिथाइल B12 में, फिर उस मिथाइल B12 अगेन कन्वर्ट हुआ B12 में, और उसने अपने मिथाइल ग्रुप को दे दिया होमोसिस्टीन को, और होमोसिस्टीन ने बना लिया मिथ्योनीन, ठीक है। अब उसके बाद जो टेट्राहाइड्रोफॉलिएट है वो दोबारा अब क्या करेगा, टेट्राहाइड्रोफॉलिएट अकेला हो गया ना, अब ये बाइंड होगा हमारे सीरीन के साथ, ठीक है। सीरीन के साथ जब ये बाइंड हो जाएगा तो ये बनाएगा N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफॉलिएट, ये क्या बनाएगा N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफॉलिएट, और जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा दैट विल बी ग्लाइसिन, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। अब जो N5N10 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफॉलिएट बन चुका है ना, अब ये क्या करेगा, अपने दोनों मिथाइल ग्रुप्स को दे देगा DUMP को, ताकि वो कन्वर्ट हो सके DTMP में, और दोबारा से ख़ुद बन जाएगा टेट्राहाइड्रोफॉलिएट, ठीक है। बस ये इतना सा है। अब अल्टीमेटली दोनों रिक्वायर्ड थे ना, ऑब्वियसली B12 भी और टेट्राहाइड्रोफॉलिएट भी, तो ये दोनों डिफिशेंसीज आपस में बहुत 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 ज़्यादा कोरिलेटेड हैं, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि B12 हमारे जो है वो कुछ फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है, जो कि अल्टीमेटली जो है माइलिन शीथ बनाता है, जिसकी वजह से B12 की डिफिशेंसी में हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं, जबकि फोलिएट की डिफिशेंसीज में नहीं है। ओके, सो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर को एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायमिडीन, वन ऑफ द फोर बेसिस फाउंड इन द DNA। अ डिफिशियंसी ऑफ दीज विटामिन्स और इम्पेयरमेंट इन देयर मेटाबॉलिज्म रिजल्ट इन डिफेक्टिव न्यूक्लियर मैचुरेशन ड्यू टू द डीरेंज्ड और इनएडिक्वेट DNA सिंथेसिस विद एन अटेंडेंट डिले और ब्लॉक इन सेल डिवीजन। इन तमाम अंग्रेजी का मतलब यही है कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड हमारे को एंजाइम एज एक्ट कर रहे हैं फॉर थायमिडीन सिंथेस, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, थायमिडीन की फॉर्मेशन कर रहा है जो DNA के अंदर कॉर्पोरेट होगा। कौन से DNA में, जो हमारे सेल्स RBCs डेवलप हो रहे हैं उनको ऑब्वियसली DNA उनकी रेप्लिकेट करती है, तो वो रेप्लिकेशन के लिए वो ज़रूरी है कि हमारे पास विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड हो, ठीक है। जब वो नहीं होंगे, DNA रेप्लिकेट नहीं होगी, सेल्स मैच्योर नहीं होंगे, और हमारी सेल डिवीजन क्या हो जाएगी, ब्लॉक या डिले हो जाएगी, सेल्स हमारे मैच्योर नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होंगे, बिकॉज सेल डिवीजन के लिए हमें चाहिए कि हमें DNA को रेप्लिकेट करना है। ओके, सो मॉर्फोलॉजी क्या है हमारे पास, यानी हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो हम मॉर्फोलॉजी भी पढ़ते हैं। किसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं हम यहाँ पे ब्लड या फिर बोन मैरो की मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ रेड सेल दैट आर मैक्रोसाइट, जो बड़े बड़े होते हैं और ओवल शेप के होते हैं, जो कि हम कहते हैं मैक्रो ओव्यूलोसाइट्स, इज अ हाईली कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है, द सेकंड थिंग इज़ पोइकिलोसाइटोसिस इज देयर, डिफरेंट शेप के सेल्स होंगे, एनाइसाइटोसिस इज देयर, डिफरेंट साइज के सेल होंगे, एंड मैक्रोपोलीमॉर्फोन्यूक्लियर, यानी हमारे ना सिर्फ RBCs बड़े बड़े होंगे बल्कि हमारे जो न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फ्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे, वो भी बड़े बड़े होंगे, रेटिकुलोसाइट इंक्रीज होगी। वाई, बिकॉज वी नो दैट जब भी हमारे पास एनीमिया होता है तो बोन मैरो ज़्यादा काम करने लगता है कि ब्लड सेल्स कम हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं, तो रेटिकुलोसाइट काउंट इज़ लो,
ऑब्वियसली लो, यस वी नो दैट. बाकी तमाम अनीमियाज में एरिथ्रोसाइट काउंट इज़ हाई बिकॉज देयर इज़ मार्क्ड इंक्रीज इन एरिथ्रोपोइसिस इन द बोन मैरो, लेकिन यहाँ पे कम है, ऑब्वियसली कम होगा. व्हाई? बिकॉज देयर इज़ इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस. यहाँ पे डीएनए हमारे पास सिंथेसाइज नहीं हो रहा, तो सेल डिवीजन कैसे होगी? नहीं होगी बिल्कुल भी. ठीक है, और क्या है हमारे पास? हाइपरक्रोमिक, बट एमसीएचसी इज़ नॉट एलिवेटेड. ठीक है, हमारे पास हाइपरक्रोमिया क्रोमिक है, लेकिन हमारे पास एमसीएचसी एलिवेटेड नहीं है. क्यों ऐसा है? व्हाई इज़ दैट सो? देखें, अगर हमारे पास हाइपरक्रोमिक है, मतलब हमारे सिंगल सेल के अंदर ज़्यादा है एचपी, ठीक है ना. ऑब्वियसली देखें, हमारे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आरबीसीज डेवलप हो रहे हैं, ठीक है. उनमें आरएनए फॉर्मेशन हो रही है, डीएनए फॉर्मेशन हो रही है. आरएनए फॉर्मेशन क्यों हो रही है? ताकि प्रोटीन सिंथेसाइज हो सके, मोस्ट इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन, ठीक है, दैट इज़ ऑक्सीजन कैरियिंग प्रोटीन. अब हमारे पास थायमिन सिर्फ नहीं बन रहा, ठीक है, बाकी तमाम बेसिस बन रहे हैं, ठीक है. तमाम न्यूक्लिक जो एसिड के हमारे बेसिस हैं, वो तमाम के तमाम बन रहे हैं. यूरैसिल बन रहा है, हमारे पास एडेनिन बन रहा है, गोनीन बन रहा है. सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं बन रहा? थायमिन नहीं बन रहा ड्यू टू द इम्पेयर डीएनए मेटाबॉलिज्म. तो उसकी वजह से हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं बन रहा? डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो रहा, आरएनए रेप्लिकेट हो रहा है, आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है और हमारा हीमोग्लोबिन बन रहा है, तो इसलिए हाइपरक्रोमिक है. लेकिन एमसीएचसी एलिवेटेड क्यों नहीं है? एमसीएचसी वी नो दैट कि हम टोटल वॉल्यूम नंबर, टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज की बात करते हैं, तो वो मेगालोब्लास्ट हैं. जब उनके साइज के मुताबिक जब हम उनकी कंसनट्रेशन को देखते हैं, एम सी एच सी इज़ अ कंसनट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो वो रिलेटिवली बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है ना. साइज़ भी बढ़े और वो भी बढ़ गया, क्या कहते हैं, कंटेंट भी बढ़ गया, ठीक है, तो वो नॉर्मल हो गया, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल इस तरह उसको देख लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोटीन है जिसकी कैपेसिटी है 1/3, ठीक है. अब उसका साइज़ है 3, उसकी कैपेसिटी है 1/3. अगर उसका साइज़ इंक्रीज हो गया, 6 हो गया, उसकी कैपेसिटी हो गई 2/3, तो क्या वो अब भी नॉर्मल है? यस एग्जैक्टली, इट्स नॉर्मल. व्हाई? बिकॉज उसकी कैपेसिटी के मुताबिक वो अभी तक लोडेड है, ठीक है. साइज़ इंक्रीज हुआ तो कैपेसिटी भी डबल हो गई. तो इसी तरह हमारे पास एन सी एच सी इज़ नॉट वाई एलिवेटेड, क्योंकि मैग्नोब्लास्ट है ना, बड़े बड़े सेल्स हो गए हैं, तो उसके मुताबिक हीमोग्लोबिन लेवल इज़ इंक्रीज. तो एम सी एच सी इज़ नॉर्मल, रिलेटिव कंसनट्रेशन उसकी नॉर्मल है, ठीक है. आई होप बात समझ में आ गई होगी. अच्छा, उसके बाद हमारे पास हैं जाइंट मेटामाइलोसाइट्स एंड बैंड फॉर्म्स. हमारे पास माइलोसाइट्स भी, यानी हमारे डब्ल्यूबीसीज भी जो है वो बड़े बड़े, तमाम सेल्स बड़े बड़े हैं, क्योंकि सबको डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत है फॉर द सेल डिवीजन, और सबके पास ही हमारे पास डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो रहा, तो तमाम के तमाम सेल्स बड़े हैं और बैंड फॉर्म्स हो रहे हैं उनके, ठीक है. मेगा कैरियोसाइट्स टू कैन बी अबनॉर्मली लार्ज, हैव बिजारी मल्टी लोब न्यूक्लियर, द मैरो हाइपरप्लेजिया इज रिस. अच्छा, पेनसाइटोपीनिया है. वाई देयर इज पेनसाइटोपीनिया? ऑब्वियसली सेल्स तो सिंथेसाइज हो रहे हैं, लेकिन वो अभी नॉर्मल नहीं है, ठीक है, तो इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही है, तो हमें जो पेरिफेरल फिल्म में हमें पेनसाइटोपीनिया मिलेगी. मैरो हाइपरप्लेजिया है, ठीक है. मैरो चाह रहा है कि वो कंपनसेट करें, ठीक है, तो इसलिए वो मैरो हाइपरप्लेजिया है. मैरो इज़ यूजुअली मार्कली हाइपर सेल्यूलर. वाइटामिन B12 के कॉजेज क्या क्या हैं? किन किन वजूहात की वजह से वाइटामिन B12 की डिफिशियंसी हो रही है? सबसे पहले डिक्रीज इनटेक, ठीक है. आप प्योर वेजिटेरियन हैं, आपने गोश्त नहीं खाना, तो आपके पास जो डिफिशियंसी तो होनी ही है वाइटामिन B12 की, बिकॉज इट्स सोर्स इज़ एनिमल सोर्स मीट, ठीक है. ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स प्योर वेजिटेरियंस में डेवलप डिफिशियंसी. मेलन्यूट्रिशन में अक्कर इन एल्डरली पेशेंट्स, ठीक है. डिक्रीज इनटेक इन दोनों में है. इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. डिक्रीज इंट्रिंसिक फैक्टर आपके पास नहीं है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर वी नो दैट इट्स इंपॉर्टेंट. गैस्ट्रिक एसिड आपके पास डिक्रीज है. इंक्रीज डिक्रीज टर्मिनल ईलियम एब्जॉर्प्शन, कोई भी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है. कब नहीं होगा? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, किस में? पर्नीशियस अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वाइटामिन B12 डिफिशियंसी, पर्नीशियस अनीमिया. क्या है? पर्नीशियस अनीमिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है. गैस्ट्रिक एसिड इंट्रिंसिक फैक्टर है, बोथ डिक्रीज द फॉर्मर, यानी गैस्ट्रिक एसिड इंटरफेयरिंग विद द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन, क्योंकि हमें पता है कि पेप्सिन कुछ काम कर रहा था, याद आ रहा है, कुछ काम कर रहा था वो हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा था. वो क्या कर रहा था? वो प्रोटीन जो हमने डाइट में लिया था, वो कॉम्प्लेक्स जो था वाइटामिन B12 के साथ, वो उसको
सेपरेट कर रहा था ताकि वो आर बाइंडर के साथ बाइंड हो सके. तो पेप्सिनोजिन एक्चुअली इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन. पेप्सिन कर रहा था ना वो काम, तो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करेगा? HCl. तो डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड भी यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है. द लेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12 इन द टर्मिनल ईडियम. अच्छा, प्रोटॉन ब्लॉकर्स हमारे पास कर सकते हैं, वही बात, गैस्ट्रिक एसिड विल भी डिक्रीज, गैस्ट्रोक्टमी वही बात, कैंड्रेंस फैक्टर भी नहीं और गैस्ट्रिक एसिड भी नहीं. बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, बैक्टीरिया यूजेस अवेलेबल विटामिन बी12. बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ है, बैक्टीरिया क्या करेगा? विटामिन बी12 को यूज़ करेगा तो वो डिफिशियंट हो जाएगा. ओवर ग्रोथ कब होगी हमारे पास? बाउल डायवर्टिकुलोसिस में, ब्लाइंड लूप्स में, ठीक है, वहाँ पे उनकी ग्रोथ होती रहेगी होती रहेगी. एंड विद डिफेक्ट इन द स्मॉल बाउल, मोटिलिटी में, लाइक डायबिटीज़ मलाइटस हो गया, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस होगी, ठीक है, तो वो जो बाउल मोटिलिटी कम है, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रोथ हो रही है. फिश टेप वर्म, फिश टेप वर्म, द वर्म्स एब्जॉर्ब मोर देन 80% ऑफ द विटामिन बी ट्वेल्व इनटेक. क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, यस वी नो दैट पैंक्रियाज ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीएजेस विच एक्चुअली क्लीव द कॉम्प्लेक्स ऑफ आर बाइंडर एंड वाइटामिन बी ट्वेल्व टू फैसिलिटेट द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ वाइटामिन बी ट्वेल्व एंड इंट्रिंसिक फैक्टर. तो एंजाइम डिफिशियंसी लीड टू इनएबिलिटी टू क्लीव द आर बाइंडर फ्रॉम वाइटामिन बी ट्वेल्व आर बाइंडर कॉम्प्लेक्स एंड क्रोन डिजीज, सीलिएक डिजीज, स्मॉल बाउल रिसेक्शन इन्वॉल्विंग, ये सब क्या करते हैं कि एब्जॉर्प्शन को टर्मिनल ईडियम से डिस्टर्ब कर देते हैं. अच्छा, रिक्वायरमेंट कब इंक्रीज होगा? प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. पैथोजेनेसिस क्या है? वी नो दैट इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस डिलेज अ न्यूक्लियर मैचुरेशन, कॉजेज अ ब्लॉक इन सेल डिवीजन. ऑल रैपिडली डिवाइडिंग सेल, ऑल ऑल तमाम भी रैपिडली, तमाम जितने भी बोन मैरो में हमारे पास हेमेटोपोइसिस हो रही है, सिर्फ एरिथ्रोपोइसिस नहीं, हेमेटोपोइसिस, तमाम सेल लाइन हमारे पास डिवीजन उनकी ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूक्लिएटेड हेमेटोपोइटिक सेल्स हैं जिनके एक ओपन क्रोमैटिन है, ठीक है, तो उनमें हमारे पास RBCs आ जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स यानी WBCs आ जाते हैं, मायोकैरियोसाइट्स आ जाते हैं और इंटेस्टाइनल एपिथीलियम भी आ जाते हैं. सेल्यूलर जो RNA सेंसेस एंड प्रोटीन्स आर नॉट अफेक्टेड. सो साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से मेगालोब्लास्ट बन रहे हैं. किस वजह से? बिकॉज RNA सिंथेसिस इज नॉर्मल एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज फ्रॉम देयर, तो साइटोप्लाज्म वॉल्यूम कंटिन्यूज टू एक्सपेंड एंड मेगालोब्लास्ट आर फॉर्म्ड. अच्छा, इन इफेक्टिव हेमेटोपोइसिस हो रही है जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक प्रिकर्सर आउटसाइड द बोन मैरो साइनोसॉइड्स आर फैगोसाइटोस्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय बोन मैरो मैक्रोफेजेस. अच्छा, मेगालोब्लास्ट जो है वो क्योंकि फैगोसाइटोस्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से हमें पेरिफेरल स्मेयर में क्या मिल रहा था? पैनसाइटोपीनिया. मेगलोब्लास्टिक प्रिकर्सर्स अंडरगो एपोप्टोसिस कॉजिंग पैनसाइटोपीनिया यानी एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, सबका पीनिया हो रहा है, सब कम हो रहा है हमारे पास, ठीक है, तमाम के तमाम सेल्स हमें कम मिलेंगे पेरिफेरल ब्लड में क्योंकि मेगलोब्लास्ट सिर्फ RBCs के नहीं, तमाम सेल्स के बन रहे हैं. अच्छा, क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगी? पर्नीशियस एनीमिया. अच्छा, पर्नीशियस एनीमिया को सबसे पहले कर लेते हैं बिकॉज इट्स द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी हैज़ क्लिनिकल फाइंडिंग दैट आर नॉट प्रेजेंट इन अदर कॉजेज ऑफ विटामिन B12. इसको अलग से करना है. थ्री एंटीबॉडीज दैट आर एसोसिएटेड विद द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पर्नीशियस एनीमिया. पर्नीशियस एनीमिया है क्या? ये एक ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन है पैराइटल सेल्स की, बॉडी और फंडस ऑफ स्टमक की, ठीक है. अच्छा, फाइंडिंग्स हमारे पास क्या होंगी कि एंटीबॉडीज़ हमें मिलेंगी. एंटीबॉडीज़ पर्नीशियस एनीमिया में तीन टाइप्स के होते हैं, 1, 2, 3. नंबर 1, एंटीबॉडीज़ जो 85-90% ऑफ केसेस में हमें मिलते हैं दैट आर डायरेक्टेड अगेंस्ट प्रोटॉन पंप इन पैराइटल सेल्स. 3Ps आर 85-90% एंटीबॉडीज़ हमें तीन टाइप के मिल रहे हैं. सबसे ज़्यादा वो हैं जो प्रोटॉन पंप ऑफ पैराइटल सेल्स पे अटैक कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं एंटीबॉडी टाइप 1, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं. एंटीबॉडी टाइप 2 जो कि हमारे बाइंडिंग ऑफ विटामिन B12 टू द इंट्रिंसिक फैक्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, जो कि 60-70% ऑफ केसेज में हमें मिलते हैं, ठीक है. नंबर 3, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर पर्नीशियस एनीमिया आर एंटीबॉडीज दैट प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स टू इलियल रिसेप्टर्स. पहला क्या था कि प्रोटॉन पंप से वो अटैक कर रहे हैं पैराइटल सेल्स के. दूसरा क्या था कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हो रही थी. किन की कॉम्प्लेक्स? इंट्रिंसिक फैक्टर एंड विटामिन B12. थर्ड वॉज के विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर के कॉम्प्लेक्स को इलियल रिसेप्टर्स में बाइंड नहीं होने दे रहे हैं. स्पेसिफिक है लेकिन केसेस कम होते हैं इसके. अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट?
एंटीबॉडीज दैट अटैक पैराइटल सेल्स इन द बॉडी और फंडस आर टाइप टू हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कहलाता है. प्रोड्यूस द क्रॉनिक एट्रॉफिक गैस्ट्राइटिस दैट इज एसोसिएटेड विद द ए क्लोरोहाइड्रिया लैक ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड लॉस ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर. ठीक है, उसमें हमें क्रॉनिक एट्रॉफिक गैस्ट्राइटिस मिल सकता है. क्रॉनिक क्योंकि कंडीशन होती है ऑटो इम्यून. ठीक है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी स्टमक की और उसमें एक क्लोरोहाइड्रिया डेवलप हो जाता है और इंसुलिन फैक्टर भी लॉस हो जाता है बिकॉज वी नो दैट पैराइटल सेल्स हमारे पास दोनों चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, HCL एंड इंट्रिंसिक फैक्टर. तो अगर हमारे पास पैराइटल सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, ऑल दो एंटीबॉडीज आर अटैकिंग ऑन दी प्रोटोन पंप ऑफ द पैराइटल सेल, बट तमाम का तमाम पैराइटल सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है, तो उसके जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर्मेशन नहीं होगी और गैस्ट्रिक एसिड भी फॉर्मेशन नहीं होगी. लॉस ऑफ एसिड प्रिवेंट प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक विच इंटरफेयर विद द रिलीज ऑफ वाइटामिन बी12 फ्रॉम फूड. लॉस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन बी12 इन द टर्मिनल एलियम. ए क्लोरोहाइड्रिया लीड्स टू कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन सीरम गैस्ट्रिन हाइपर गैस्ट्रीनीमिया हमें मिलेगी जो कि एक नेगेटिव फीडबैक है. ऑब्वियसली कोई चीज़ कम होती है तो बॉडी में हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है ना, तो एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिलीज मोर, नेगेटिव नो स्टॉप. ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव यानी कोई चीज़ कम हो रही है तो उसको बढ़ा रहा है, कोई भी बर्ड ये तो उसको कम कर रहा है, दैट इज़ नेगेटिव. अब हमारे पास HCL लेवल कम है तो गैस्ट्रिन जो हार्मोन है दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रिलीज ऑफ HCL. जब HCL नहीं है तो उसको लगेगा कि HCL कम बन रहा है तो मैं ज़्यादा निकलवाऊँ, उसको नहीं पता पैराइटल सेल हो सके हैं, उसको नहीं पता. ठीक है, तो वो क्या करेगा, हाइपर गैस्ट्रीनीमिया कॉज करवाएगा. इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया इन द क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, उसमें अगर क्रॉनिकली हमारे जो है एट्रोफी हो रहे हैं पैराइटल सेल्स, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो इंटेस्टाइन की तरह हमें वहाँ पे सेल्स दिखेंगे, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया हो जाएगा, सेल्स इंटेस्टाइनल सेल्स की तरह बन जाएंगे. द रिस्क फॉर डेवलपिंग एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द बॉडी एंड फंडस इज देयर ऑल्सो. अच्छा, हमें एक चीज़ मिलती है दैट इज़ लेमन येलो अपेयरेंस ऑफ द स्किन. ओके, क्लिनिकल प्रॉब्लम एसोसिएट विद द ऑल कॉज ऑफ विटामिन बी12 डिफिशेंसी इंक्लूड. हमने सिर्फ परनीशियस एनीमिया के वहाँ पढ़े थे, यहाँ पे हमें तमाम में क्या क्या मिलते हैं. एक ग्लोसाइटिस एसोसिएटेड विद अ स्मूथ सोर टंग एंड एट्रोफी ऑफ द पेपिलाई. न्यूरोलॉजिक डिजीजेज हमें विटामिन बी12 डिफिशेंसी में मिलते हैं दैट आर एसोसिएट विद द डीमाइलिनेशन. क्या क्या मिलेंगे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी विथ सेंसोरीमोटर डिसफंक्शन, सब अक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन दैट इज डीमाइलिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉलम डिसफंक्शन डिक्रीजेज द वाइब्रेटरी सेंसेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन. वी नो दैट पोस्टीरियर कॉलम इज इन्वॉल्व इन द प्रोप्रियोसेप्शन. लेटरल कॉर्डम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक डिसफंक्शन प्रोड्यूसेस स्पास्टिसिटी. ठीक है, और डॉर्सल स्पाइनो सेरिबैलर ट्रैक डिसफंक्शन कॉजेज एटैक्सिया, डेमेंशिया फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन, पॉसिबल टू हैव न्यूरोलॉजिक डिजीज विदाउट एनीमिया इन 20% ऑफ पेशेंट. कुछ में तो सिर्फ न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स होते हैं, इवन एनीमिया भी डेवलप नहीं हुआ होता है 20% ऑफ केसेस में, तो उसमें भी हम वाइटामिन बी12 डिफिशियंसी कह सकते हैं. ठीक है, लैब फाइंडिंग से हम उसको कन्फर्म कर सकते हैं. लैब फाइंडिंग्स इन वाइटामिन बी12 डिफिशियंसी, ऑब्वियसली डिफिशियंसी है तो सीरम वाइटामिन बी12 इज डिक्रीज, सीरम होमोसिस्टीन एंड मिथाइल मेलोनिक एसिड इन 95% ऑफ केसेज इज इंक्रीज. होमोसिस्टीन का हमने पढ़ा कि होमोसिस्टीन वॉज कन्वर्टेड इन टू द मिथ्योनिन, तो मिथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो होमोसिस्टीन लेवल विल बी इंक्रीज इन सीरम. पेरिफेरल ब्लड फाइंडिंग्स में हमें पैनसाइटोपिनिया, ओवल एग शेप मैक्रोसाइट जिसको हम मैक्रोब्यूरोसाइट्स कह रहे थे, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, बड़े बड़े न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे. बोन मैरो में क्या मिलेगा, मेगलोब्लास्टिक न्यूक्लिएटेड सेल्स, तमाम जो सेल्स होंगे वो बड़े बड़े मेगलोब्लास्ट होंगे आर प्रेजेंट विद अ प्रिमिटिव ओपन लेसी क्रोमैटिन पैटर्न. ओके, तो ये हमारे पास हैं मेगलोब्लास्ट्स. ठीक है, अच्छा, हम विटामिन बी12 में हमने पढ़ा कि बहुत सारे कॉजेज़ हैं, इनटेक कम है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशेंसी है, HCL कम है, कोई और मसला है, इलियम से वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा. हमें कैसे पता चलेगा कि विटामिन बी12 डिफिशेंसी तो है लेकिन हमें अंडरलाइन प्रॉब्लम क्या है, कि हम इंट्रिंसिक फैक्टर दें उसकी डिफिशियंसी है या HCL की डिफिशियंसी है, कि हम HCL को करेक्ट करें या इलियम में कोई मसला है ताकि हम वहाँ उस एब्जॉर्प्शन में मसला हो रहा है ताकि हम IV दे दें. हमें नहीं पता कि अंडरलाइन कॉज ऑफ विटामिन बी12 क्या है, हम डायरेक्टली विटामिन बी12 नहीं दे सकते. ठीक है ना, मे बी विटामिन बी12 इज़ देयर बट एब्जॉर्प्शन इज़ इम्पेयर. सो कॉज को फाइंड करने के लिए देर इज़ अ टेस्ट कॉल शिलिंग टेस्ट. शिलिंग टेस्ट एक टेस्ट है जिससे हमें पता चलेगा कि विटामिन बी12
की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह क्या है, उसको हम डिटेल में एक और वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कुछ फाइंडिंग्स हैं हमारे पास, ये हैं डीमायलिनेशन इन द स्पाइनल कॉर्ड, ग्लोसाइटस, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, ग्लोसाइटस एंड लेमन येलो कलर ऑफ द स्किन, एंड देयर इज डीमायलिनेशन इन द स्पाइनल कॉर्ड। थैंक यू।